हम कर रहे हैं क्लास 11 की मैथमेटिक्स, जिसमें हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 1 सेट्स, एक्सरसाइज 1.4, क्वेश्चन 3 क्या है. इफ़ ए एंड बी आर टू सेट्स, ए और बी कोई दो सेट्स हैं, ए एंड बी आर टू सेट्स सच दैट ए इज कंटेन्ड, सच दैट ए इज कंटेन्ड इन बी. ए जो सेट है वो कंटेन्ड है सेट बी में. वॉट इज ए यूनियन बी. देन ये क्वेश्चन बिल्कुल सिमिलर है जैसा हमने पिछला क्वेश्चन किया था, वॉट इज ए यूनियन बी. अभी हमें पिछले क्वेश्चन से हमने देखा था कि अगर ए कंटेन्ड है बी में, अगर ए कंटेन्ड है बी में, तो इससे हमारे पास सॉल्यूशन आ गया था कि ए यूनियन बी जो है वो इक्वल होगा बी के. अगर आपको ये ऐसे डायरेक्टली समझ नहीं आ रहा तो आप इस तरह से वेन डायग्राम इसका बनाकर समझ सकते हैं. ये हमने ले लिया हमारा U, दैट इज़ यूनिवर्सल सेट. ये कोई हमारा A है सेट, और B हमारा जो सेट है वो कंटेन करता है सेट A को. ये हमारा सेट B, और ये वाला जो सेट है ये है सेट A. अब हम बात करते हैं, हमें गिवन है A इज कंटेन्ड इन B, उसी के अकॉर्डिंग हमने ये वेन डायग्राम बनाया है. जो हमारा A है वो गिवन है कि वो कंटेन्ड है बी में. अब ए यूनियन बी फाइंड आउट करना है, इन दोनों की यूनियन निकालनी है, सेट ये वाला सेट और ये वाला सेट. ए तो ऑलरेडी बी में ही है, तो हमारे पास यूनियन क्या आ जाएगी, ये हमारे पास पूरी आ जाएगी यूनियन. तो ये यूनियन क्या आ रही है, ये आ रही है बी. तो ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी. ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3, एक्सरसाइज 1.4.